कैसे आप सब लोग उम्मीदें ठीक होंगे आज की वीडियो का टॉपिक को ध्यान से बता देता हूँ कि मैंने हाल ही में अरे हाल ही में क्या कल ही बोटिया उस समय अमेजिंग वीडियो बनाई थी वैसे तो आपको पता ही होगा कि कौन सी मूवी है लेकिन अगर आप कौन सी वीडियो है अगर नहीं पता तो अभी बत, अभी बता देता हूँ तो ये मूवी थी अब ये है वीडियो थी मेंटेन वर्सेज द यूनिवर्स मूवी का रिव्यू तो ये मैंने एक नई सीरीज खोली थी ये बेंटेन मूवी रिव्यू की उसका एपिसोड वन था अरे अरे डरिए मैं तो मैं उसी वीडियो को वो नहीं तो उसी मूवी के रिव्यू पे नहीं रहा वीडियो वैसे अपने टाइटल पढ़ी पढ़ ही फिर तो तब मैंने उसमें आप लोगों से कहा था कि अगर आप लोगों ने इस वीडियो में मुझे चार लाइक दिए इस हफ़्ते के अंदर तो इस रोज चार लाइक कम्प्लीट होंगे और उसके किसी वीडियो के टारगेट लाइक पूरे किए तो फिर अगले रोज़ इस हफ्ते के अंदर ही किए तो फिर अगले रोज़ मैं वाई वीडियो बना दूँगा तो फिर और इसमें टारगेट लाइक मैंने आपको बताए थे चार और आप लोगों ने एक दिन में चार लाइक कर दिए तो फिर मैंने नई वीडियो बनाई है सीरीज का एपिसोड टू यानी कि मेंटल डिस्ट्रॉय और एरियंस मूवी रिव्यू हाँ कुछ ज़्यादा ही जल्दी जल्दी रिव्यू पे हो गई और मैं थी थोड़ा सा डिफेंड करना चाहता था और मैं गेम पे वीडियो बना रहा था लेकिन फिर जब जैसा कहा था वैसे ही मुझे मूवी रिव्यू पे वीडियो बनानी थी तो फिर अभी मैं मूवी रिव्यू पे बना रहा हूँ तो मैंटल डिस्ट्रॉय और एरियंस मूवी रिव्यू पे है ये वीडियो और अगर आपको पूरी मूवी की फुल स्टोरी जाननी है तो उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई भी आप जाके उसे चेकआउट कर लीजिए लिंक वैसे भी सजेशन में होगा और मैंने और अगर आपने एक वीडियो के टारगेटैक पूरा कर लिए तो आपके लिए ये कोई आसान कोई मुश्किल काम नहीं है कि आप मेरी बाकी वीडियो के भी टारगेटैक पूरे करें तो भाई जल्दी से जाकर अभी ही मेरी रहता से डायमंड और रेत वर्से ह्यूमंगसौर के वीडियो के टैगेटेट पूरे कर दीजिए रेड वर्सेस डायमंड हेड के हैं फाइव और रेत वर्सेज ह्यूमंगसौर के हैं टेन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन टेकआउट एंड लाइक तो फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा अगर देखिए रेड रेत और ह्यूम्गोर में क्या तो रेत और ह्यूम्गोर की ओरिजिनल स्टोरी हंड्रेड परसेंट कन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपको दे दूँगा और अगर आपने रेत और डायमंड हेड पाचा एक किए तो फिर की ओरिजन स्टोरी तो हंड्रेड परसेंट कन्फॉर्मेशन के बाद मिल जाएगी और फिफ्टी परसेंट कन्फर्मेशन कि हो सकता है कि हिमंगल हुँ, सर की ओरिजिन स्टोरी में भी आ जाए लेकिन 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 अगर दोनों ही वीडियो के टारगेट आएगी आप लोगों ने पूरे किए तो फिर ये दोनों वीडियोज तो आएगी साथ में एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग औसम और फनी वीडियो आएगी क्योंकि यूट्यूब पर आज तक किसी ने नहीं बनाई बनाई भी होगी तो फिर फिर दोनों की वीडियो मेरी और उसकी वीडियो बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरीके से अलग होगी तो फिर वो दोनों वीडियो के टारगेट आए पूरे कर दीजिए ताकि वीडियो आएगी जानना है तो फिर मैंने एक वीडियो में वो बताया था तो ये चीज़ की वो कौन सी वीडियो है कि मतलब वो कौन सी वीडियो होगी अभी फिर से आप लोगों को देता हूँ कि अगर मैं पेंटन के जीस को नाम देता तो मैं क्या नाम देता हाँ मैं क्या नाम लेता मतलब जैसे कि मुझे मैं दस एरियन दूंगा उस वीडियो में और उन दस एरियन के नाम आप लोगों को बताऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि अगर मैं दस एरियन को नाम दूंगा तो वो क्या होंगे तो फिर ये होगी वो वाली वीडियो तो फिर ये लाइक कर दीजिए फिर एक और रिक्वेस्ट है तो वे क्यू एन ए वीडियो के लिए मुझे क्वेश्चन चाहिए जो कि आप लोग कमेंट में डाल सकते हैं और आप लोगों के पास है ही क्वेश्चन तो वे क्यू एन ए वीडियो आप लोगों को भी पसंद होगा और मेरे चैनल पर फिफ़्टी वीडियोस भी कंप्लीट होने वाले हैं और संडे को कौन सी वीडियो बनाऊँ उसका वो भी आप कमेंट में कर दीजिएगा और क्यू एंड ए वीडियो के लिए कमेंट जरूर कीजिए क्योंकि कमेंट करेंगे तभी वीडियो बनेगी और मुझे पता है क्यों ने, क्यों ने वीडियो सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि आप लोगों क्यों के ही क्वेश्चन उसमें आते हैं और बेंटन माकटेड कोई भी क्वेश्चन डाल दीजिए और उसके बाद एक और चीज़ कहनी थी तो अगर बहुत ही ज़्यादा बड़ा टॉपिक हुआ तो क्यों नई वीडियो तब तो, बनाऊँगा ही ठीक यार कोई भी क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही बड़ा हुआ तो मैं उसे क्यों नए वीडियो के अगर एक क्वेश्चन सीरीज़ की वीडियो में दे दूँगा क्वेश्चन सीरीज का एपिसोड वन जिसमें तो फिर अब आप समझ ही गए होंगे तो फिर अपने डाउट्स जल्दी से कमेंट कर लीजिए और क्यों नए वीडियो क्वेश्चन सीरीज में फ़र्क क्या है वो भी आपको समझा देता हूँ क्यों ये वीडियो होगी इसमें बंडल ऑफ डाउट्स यानी कई सारे डाउट जो आपने कमेंट में पूछे हैं उन छोटे छोटे उन डाउट्स को मैं एक ही वीडियो में क्लियर करूँगा और क्वेश्चन सीरीज पर मतलब मैं एक एक करके बड़ी बड़े बड़े वीडियोस बड़े बड़े क्वेश्चन मतलब जिन क्वेश्चंस के बड़े बड़े आंसर हैं उनको मैं एक ही वीडियो में समझाऊँगा तो फिर एक ही वीडियो में एक ही क्वेश्चन होगा उसमें और क्यों वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे तो फिर इतना ही साफ और अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ तो सबसे पहले तो बताता हूँ कि ये मूवी कब आई थी तो ये मूवी आई थी 2007 में और ये मूवी बेंटन की दूसरी सबसे पुरानी मूवी है पहली कौन सी है सॉरी तीसरी सबसे ज़्यादा पुरानी मूवी है पहली मूवी कौन सी कौन सी है वो आप मुझे कमेंट कर दीजिए क्योंकि वो क्विज़ का क्वेश्चन है और दूसरे मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर आपको पहली में पूरी तरीके से आप समझ जाएंगे और मैं सीक्रेट ऑफ द मूवी के पूरी वीडियो बना चुकी है मैंने कहती है डिस्ट्रॉयस कह दिया था और डिस्ट्रॉय ऑरियंस के मैं पूरी की पूरी एक अलग से वीडियो बना दूँगा इस मूव ये पूरी क्लासिक सीरीज़ की मूवी है ये मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और ये मूवी जो थी ये बेंटन की सबसे अच्छी मूवी उनमें से एक है इसके आई एम पी डी रेटिंग है फाइव पॉइंट सेवन जो कि रिबूट की मूवी से था यूनिवर्स के बराबर है इसको एटी परसेंट लोग लाइक करते हैं मतलब उसमें एटी परसेंट लोग उस वीडियो को फिर लाइक देते हैं मतलब अगर आप इस मूवी को देखें मतलब अगर आप इस मूवी का नाम गूगल पर सर्च करेंगे तो आपके पास एक लाइक करने का ऑप्शन पड़ेगा तो फिर उसमें से एट्टी परसेंट लोग इस वीडियो के लिए लाइक का बटन दबाते हैं इसी बात पर मेरे इस वीडियो के पे भी लाइक का बटन आएगा आप उसे दबा दीजिए तब अब ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी मूवी है और इसमें हर कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखाया गया इसमें हमें टेटक्स भी दिखाया गया था साथ ही में इस मूवी में मैं कई सारे और भी दिखाए थे जैसे कि फोर आर्म्स वाइड फोर आर्म्स वाइडमट कैन बोर्ड हीट ब्लास्ट कुछ सारे एरियंस को ही बोल दूँगा तो फिर, फिर सारे और वेबिक भी और स्टिंग फायर भी सारे एरियंस का नाम बता दूंगा तो फिर फ़ायदा क्या होगा इतने एलियंस का नाम बताया वैसे तो इसमें बेंटन के तब तक के ऑलमोस्ट सारे ही एरियंस थे इस मूवी में ये मूवी बहुत ही अच्छी थी और इस मूवी में बेंटन का एक नया फीचर अंदर हमें ये मूवी बहुत अच्छी थी और इस मूवी में हमें एकदम नया फीचर देखने को मिला था इसमें अगर ये मैजिक से है मैजिक इस पर किया जाए तो फिर ये, ये किसी भी किसी भी तरीके के डीएनए को डाउनलोड या अपलोड कर सकती है इस मूवी से रिलेटेड आप लोगों को कई सारे डाउट्स थे और होंगे तो फिर उनमें से कई सारे डाउट जो कि आप लोगों को हो सकते हैं जिनमें से एक था कि ई बेंटन का बेंटन में इस मूवी में आज़मत ईवी में कैसे बदल गया वो उस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ उसे वो आपको सजेशन में दिखेगा और आप सजेशन में उसे देख सकते हैं ताकि आपको तो कई सारे डाउट सॉल्व हो जाए मैं सारे तो नहीं कह सकते क्योंकि इसमें आप लोगों ने कमेंट नहीं किए जो आप लोगों के मन में हो सकते हैं मैंने उन डाउट्स को दे दी है और तब तक मुझे क्यों ए वीडियो भी नहीं बनाती क्योंकि ज़्यादा वीडियोज़ भी नहीं हुए थे और इसी वजह से यहाँ पर मैंने आप लोगों कमेंट से कमेंट्स में पूछने की जगह है खुद जो आप लोगों को डाउट हो सकता है उन्हें दिया था तो भाई ये मूवी बहुत ही अच्छी मूवी है इस मूवी में बहुत ज़्यादा अलग थी ये मूवी और ये मूवी बेंटन की एक, एक एनीमेशन मूवी थी और इस मूवी में जैसा कि आप देख सकते हैं करेक्टर वैसे से रियलिस्टिक टाइप से दिखाए गए थे तो इस मूवी में बैन ऑमिटिक्स के अंदर भी चला था यानी कि ऑमिटिक्स के अंदर क्या है वो भी आप लोगों को दिखाया गया था इस uh, मूवी में हमें अजमत और अजमत के फादर भी दिखाए गए थे यानी कि अजमत और उसके फादर को भी हमें इस मूवी में दिखाया गया था और ये मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और ये मूवी है बंटन की बहुत ही ज़्यादा अच्छी मूवी थी ये बंटन की बेस्ट मूवीज में से एक है और आप इसे ज़रूर देखिएगा अगर आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा ये मैंने पिछले साल ही देखी थी क्योंकि तो वह और यूट्यूब पे आपको ये मूवी मिल जाएगी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर कर दूंगा और लेकिन वो वीडियो अपलोड करने के बाद मैं आप लोगों को लिंक ज़रूर दूंगा नहीं वीडियो अपलोड करते वक्त ही मैं आप लोगों को लिंक दे दूँगा और इस और ये मूवी होती छोटी तो आप इसे डाउनलोड करने के बजाय इस मूवी को एक ही बार में देख लीजिए क्योंकि फोर्टी फाइव मिनट्स के अराउंड की मूवी है और ये बहुत ही अच्छी मूवी है इस मूवी का जरूर देखिएगा और अभी लास्ट में बताता हूँ कि आपकी इस मूवी को आपको ये मूवी पसंद आएगी कि, इसके कितने परसेंट चांसेस है आपको इसे देखना है कि नहीं तो जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को इस मूवी को देखना ही चाहिए अगर नहीं देखी अगर देख भी दिए तो भी फिर से देख लो मैंने भी इस साल पिछले साल दोबारा ही देखी थी तो फिर ये मूवी देखिए जैसा कि इसे लाइक like ऑप्शन से तो हमें पता रहता है कि एट्टी परसेंट लोग इस मूवी को लाइक करते हैं तो फिर यहाँ पे एट्टी परसेंट लोग लाइक करते हैं यानी कि एट्टी परसेंट चांसेस बनते हैं कि आप लोगों को ये मूवी पसंद आएगी लेकिन नहीं करते लेकिन मैं कई सारे लोग लाइक नहीं करते सब ऐसे ही देख लेते हैं तो फिर इसी चांसेज मैं तो कहूँगा कि नाइन्टी परसेंट चांसेस है कि आप लोगों को ये मूवी पसंद आएगी टेन परसेंट बाकी आपकी मर्ज़ी पे है कि आपको किस टाइप की मूवी पसंद आती है वैसे तो अगर आप बटन फैन है तो हंड्रेड परसेंट ही आपको ये मूवी पसंद आनी चाहिए लेकिन फिर भी टेन परसेंट हम मैं बता देता तो हूँ कि आपको अगर थोड़ी सी इस टाइप की मूवी ज़्यादा पसंद नहीं है मतलब और आपको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि अगर कि आपको के अंदर क्या पार्ट चाहिए देखना है कि इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए तब भी आपको ये मूवी पसंद आएगी लेकिन टेन परसेंट चांसेस है कि आपको छोटी मूवीज़ नहीं पसंद आती हैं और उस मामले में आप लोग वो कोई मूवी शायद ना पसंद आए लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप देखिएगा क्योंकि छोटी मूवी में भी अगर इंटरेस्टिंग मूवी है तो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी वो अगर एक है जल्दी ख़त्म हो जाएगी तो फिर आप लोग ज़्यादा देर तक ऐसा नहीं देख पाएंगे लेकिन आप ऐसा ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये छोटी मूवी जरूर है लेकिन ये इसमें थर्टी टू तो फोर्टी फाइव मिनट्स में ही पूरे तीन चार घंटे का मज़ा आ जाता है तो फिर से आप जरूर देखिएगा और ये मूवी बैंटन की होती है अच्छी मूवी है और इसे देखने का अगर आपको अच्छी लगी हो तो फिर से आप गूगल पे आकर इस मूवी का नाम सर्च करके लाइक कर सकते हैं इससे होगा क्या बेंटन के क्रिएटर्स को लगेगा कि अब पहले एट्टी परसेंट वो और बढ़ गई है ये इस मूवी की रेटिंग्स लाइक्स तब वो औ, और ऐसी अच्छी अच्छी मूवीज़ बनाएंगे तो रेबूट के सीजन फाइव में तो आएंगी मूवीज़ ज़्यादातर एक का ट्रेलर आपको अभी इस इस महीने में मिल जाएगा लास्ट में जनवरी के लास्ट में मिल जाना चाहिए एक मूवी का ट्रेलर और कब आएगी वो मूवी वो तो नहीं पता है कि उसका ट्रेलर आपको इस महीने के लास्ट तक दिख जाना चाहिए यानी कि लास्ट वीक में आपको दिख जाएगा ट्रेलर तो वह अभी जनवरी के मैंने नहीं बचाए कि आपका टेलर्स महीने दिख जाएगा तो आ, वो आप देख लीजिएगा उस मूवी को भी और इस मूवी को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि और अच्छी अच्छी मूवीज वेंटन क्रिएटर्स बनाएं और आप वेंटन से यूनिवर्स मूवी को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा क्योंकि और उसके भी अच्छी रेटिंग दी दीजिएगा क्योंकि ये तो रही पुरानी मूवी इससे शायद वेंटन की क्रिएटर्स कि फैंस को पुराना पुरानी चीज़ें तो पसंद आती हैं लेकिन उनको नई चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं और वो अभी नई चीज़ों में वर्क करना चाहते हैं ना कि पुरानी चीज़ों में तो फिर इसीलिए यहाँ पे इसको तो लाइक कीजिएगा लेकिन सारे बनते बैठे उससे ही हूँ मूवी को भी लाइक कर दीजिएगा उसको भी अच्छी रेटिंग दे दीजिएगा और उस मूवी के रिव्यू के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो फिर लिंक रि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में हमेशा प्रोवाइड करवा देता हूँ तो सजेशन प्रोवाइड करवा देता हूँ लेकिन प्रोवाइड करवा देता हूँ बाकी शायद से आपको वो स्क्रीन में भी दिखाई देगी और आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो में जब तक आप स्क्रीन की अमेजिंग वीडियोज़ देख सकते हैं